हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, इसे एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हैं तो इसे फॉर्मेशन हो जाता है एल्किन का। देखिएगा तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करेंगे तो इसे किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किन। एल्किन है इसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस। देखिए किस टाइप से यहाँ पे रिमूवल होता है। जैसे बेटा हमने ले लिया ये एल्कोहल है, ये एक एल्कोहल लिया, ये वाली पोजीशन होती है अल्फा पोजीशन, ये वाली पोजीशन होती है बीटा पोजीशन, और यहाँ पे हम साथ में लेते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, इसकी प्रेजेंस में आप हीट करते हो इसको, या H3PO4 लेते हो इसकी प्रेजेंस में आप हीट करते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या ले सकते हो KHSO4 है इसकी प्रेजेंस में हीट करते हो। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं या फिर एक टाइप से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, लास्ट में वैसे कि वैसे मिल भी जाते हैं, यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर देते हैं अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से। यहाँ से देखो ये बनेगा एल्कीन है, इसका फॉर्मेशन कर देंगे, इसको बोल देते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये जो एलिमिनेशन होता है वो होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और इनकी प्रेजेंस में जो एलिमिनेशन होता है वो इवन एलिमिनेशन होता है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन होता है। देखो किस टाइप से इवन एलिमिनेशन होगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन किस टाइप से होता है, उन सबको डिटेल में डिस्कस करना है, इसके मैकेनिज्म को हमें देखना है, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद में लिखो मैकेनिज्म। देखो इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं, मिटा दें। यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, देखो बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म में बेटा आपको वो डिटेल में सब बता चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो वहां से पढ़ भी सकते हो आप। इवन होता है, देखो आपके पास में ये, आपके पास में एल्कोहल था, ये एल्कोहल है, ये प्रेजेंट है एल्कोहल CH3 लिख लेता, आपने यहां पे डाला कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते हो और साथ में क्या करते हो हीट। यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो वेरी फास्ट एक प्रोसेस होती है जहां पर ये H+ साइन है, ये देगा और क्या बचेगा HSO4 नेगेटिव, और ये H+ है ये किसके पास चला जाएगा, इसको प्रोटोनेट कर देता है, इसको क्या कर देगा प्रोटोनेटेड, ये होता प्रोटोनेटेड एल्कोहल OH2+, और यहां पे क्या होगा CH3, और बेटा अब यहां पर OH2 है, OH2+ होता है, स्टेबल नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको एलिमिनेट कर देता है और फॉर्मेशन क्या करता है CH3+ इसका फॉर्मेशन करता है, यानी किसका फॉर्मेशन कर लिया, ये इसकी स्लो स्टेप होती है, और ये स्लो स्टेप इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, यहां पे बन जाता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, ये आपके पास में किसका फॉर्मेशन हो रहा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ये बन गया। और बेटा आपको ये बता चुके हैं जहां पर भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, अगर वहां पर हो सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्रेट शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है। तो देखो कार्बोकेटाइन के केस में, इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन वहां पर बन रहा है तो वहां पर क्या क्या हो सकता है, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, इनकी शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट है, ये होगा, क्लियर हुआ। फिर से बेटा आपको बता देते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपने लिया, यहां से क्या किया इसने, प्रोटोनेट किया इसको, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता तो किसका फॉर्मेशन होगा, एक इंटरमीडिएट बनता है,
और रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर यूनिमोलिकुलर क्यों बोल दिया, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, यूनिमोलिकुलर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में यहाँ पे H प्लस दे दिया था, H2SO4 देखो यही होता है ना, H2SO4 एसिड होता है, क्या करता है, H प्लस आयन देता है, साथ में क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, वीक बेस, बेस क्या करेगा, H लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया वीक बेस, क्या होता है, HSO4 नेगेटिव, तो HSO4 नेगेटिव अब यहाँ पे क्या करता है, ये वाली अल्फा पोजिशन है, यहाँ पर ये वाला बीटा पोजिशन है, इससे H प्लस ले लेगा, जैसे ही H प्लस लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्या बन गया आपके पास में, एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या बन गया, H2SO4 ये निकल गया। स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था, H2SO4, लास्ट में भी क्या मिल रहा है, H2SO4, इट मींस इट इज एक्ट एज कैटलिस्ट। क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है इज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इसकी रेट क्या होगी, कौन सा डिहाइड्रेशन इजी होगा, जहां पर इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी इज ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो ये लिख सकते हैं हम इज ऑफ डिहाइड्रेशन, एज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका डिहाइड्रेशन होने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी, तो लिख सकते हैं एज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है आपको, कार्बोकेटाइन, और जहां पर भी कार्बोकेटाइन बन गया वहां पर मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट ये पॉसिबिलिटी होती है, अगर वहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा हो तो। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या, उसके बाद में इस पे करते हैं क्वेश्चन। ओके, नोट कर लिया, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। तो यहां पे ध्यान में रखना किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की सब बातें आप जानते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इज ऑफ डिहाइड्रेशन, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपका अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इज ऑफ डिहाइड्रेशन, इज ऑफ डिहाइड्रेशन इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे इधर का CH3 CH2OH, बी यहां पे दे दिया CH3CH CH3OH, सी यहां पे देंगे CH3 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 OH, अरेंज करना है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इज ऑफ डिहाइड्रेशन, किसका डिहाइड्रेशन इजिली होगा। तो बेटा आपको यहां पर ये पता है, जब यहां से OH निकलेगा, यहां पर वाटर फॉर्म में निकलेगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सेकेंड वाले के केस में फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इस वाले केस में फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो इज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये पढ़ाना, इज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर आ रही है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी क्या होगा, 3 C, उसके बाद में B, और सबसे कम किस में होगा, A।
ऐसे इसी क्वेश्चन के लिए एक और मैं लिख देता हूं, जैसे यहां पे दे रखा है बेंजाइलिक एल्कोहल, क्योंकि बेंजाइलिक एल्कोहल, उसके बाद में दे रखा है थ्री डिग्री एल्कोहल, यहां पे थ्री डिग्री एल्कोहल, उसके बाद में दे रखा है एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, और डी है टू डिग्री एल्कोहल। ये देख, तो बेटा ये वाला तो बेंजाइलिक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला क्या टू डिग्री, और इन सब में सबसे स्टेबल होता है थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन। फोर्थ बुक्स में गलत लिख रखा है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन थ्री डिग्री, नॉट, थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और ये आपका पूछा भी गया है जेई के अंदर, पूछा गया 2011 या 12 का कुछ क्वेश्चन था जेई के अंदर एडवांस में। तो थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में कौन आता है बेंजाइलिक, उसके बाद में कौन आता है एलाइलिक, और इसमें सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है टू डिग्री। तो ये माइंड में सेट कर लेना कि थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसके बाद में आएगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन, और सबसे लेस स्टेबल होता है टू डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब करवाते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन आपको दें तो उसको लिख कर पहले आप अपने से करेंगे पॉज करके, उसके बाद में देखेंगे आगे बढ़ाकर। और आपने अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रखी है तो ये बहुत सिंपल से, और इस कंडीशन में आप इसको टू की स्पीड से भी देख सकते हैं। देखो यहां पर देखा सी एच थ्री सी एच ओ एच विद मैकेनिज्म करना है, सी एच थ्री कॉन्सनट्रेट एस टू एस ओ फोर और 443 केल्विन, ये टेम्परेचर दे रखा है, बनाओ। तो कॉन्सनट्रेट एस टू एस ओ फोर सबसे पहले क्या करेगा, कॉन्सनट्रेट एस टू एस ओ फोर, इसका काम क्या है, ये देता है एच प्लस और क्या देगा एच एस ओ फोर नेगेटिव। तो सबसे पहले यहां पर ये एच प्लस होगा, ये इसको प्रोटोनेट कर देगा, फॉर्मेशन होगा सी एच थ्री सी एच ओ एच टू प्लस। जब आपने खुद के लोन पर इसको दे दिया, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे प्रेजेंट है सी एस थ्री। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप इसकी स्लो स्टेप होती है, जो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, और इसके अंदर रिमूवल ऑफ वाटर होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर्मेशन होगा सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं, टू डिग्री कार्बोकेटाइन ही बनेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये तो वन डिग्री हो जाएगा ना, तो यहां पर आपके पास में क्या बन गया टू डिग्री कार्बोकेटाइन, ये इंटरमीडिएट है, ये अल्फा है, और ये वाला क्या होगा बीटा। इसके बाद में आता है एच एस ओ फोर नेगेटिव, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर लेगा, सिमेट्री का कोई भी हाइड्रोजन निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच टू एस ओ फोर अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेगा एच टू और एच, फॉर्मेशन होगा एल्किन, ये एल्किन है, इसका फॉर्मेशन होगा सिमेट्रिक है, तो बेटा कोई भी रीअरेंजमेंट और कुछ भी नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, और एग्जांपल देते हैं, मिटा दे, नेक्स्ट एग्जांपल पॉज करके खुद से करेंगे। देखिएगा ये दे रखा आपको सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एस थ्री, इसका प्रोडक्ट बताइए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो वहां पर माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इन सबको आपको बताना है, याद आ रहा है क्या, सेफ रूल। देखो यहां पे बता देंगे, आपने यहां पे क्या लिया कॉन्सनट्रेट एस टू एस ओ फोर 443 केल्विन टेम्परेचर, तो वही कंडीशन होगी, सबसे पहले यहां पे क्या होगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, एसिड कैटलाइज्ड है, ये प्रोटोनेट होगा H2O H2 प्लस बन जाएगा CH2CH3,
उसके बाद में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, फॉर्मेशन होगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? 2° कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट यहाँ पर करोगे, इस पे जाओगे तब भी ये क्या है, 2° कार्बोकेटाइन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 2° कार्बोकेटाइन बना, 2° कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इसका अल्फा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो यहाँ पर यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकल सकता है। दो पॉसिबिलिटी हैं, दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। पहले मैं ये मान लेता हूँ यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकला तो देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCH3। कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? तो बेटा आप ये जानते हैं, ये वाला माइनर होता है और ये वाली एल्किन होती है वो मेजर होती है। और यहाँ पे भी दो बन सकते हैं, सिस और ट्रांस, जिसमें ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर माइनर और मेजर किसने बताया था? सेजेफ रूल ने बताया था, सेजेफ रूल से बताया गया था। सेजी रूल क्या बोलता है, दैट एल्किन विल फॉर्म विच हैज मोर स्टेबिलिटी, दैट एल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट, दैट एल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट विच हैज मोर स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन चेक की जाती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन एल्किन है, इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पे तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी और मोर स्टेबल होती है वो मेजर अमाउंट में बनती है अकॉर्डिंग टू सेजेफ। ठीक है, नोट कर लो और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, लिख लीजिए इसको, नोट कर लिया तो इसको मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, समझ गए ना, सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मेजर और माइनर। नेक्स्ट लिखिएगा, ये दे रखा है CH3 CH2 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 OH, और यहाँ पे हम डालते हैं वही सेम कंडीशन ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब कई बच्चे तो डायरेक्ट बोल देते हैं, मैं तो सर ऐसे कर दूंगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ से OH, यहाँ का H निकल के एल्किन बन गई, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। अब पूरी इसकी देखो मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले ये H प्लस इसको देगा, एसिड कैटलाइज्ड है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 OH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पर, 1° कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 1° कार्बोकेटाइन। एंड वी नो दैट 1° कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन 2° कार्बोकेटाइन एंड 3° कार्बोकेटाइन। और अगर पॉसिबल होता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हो गया तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, 2° कार्बोकेटाइन, ये बन जाता है 2° कार्बोकेटाइन, ये बन गया 2° कार्बोकेटाइन। अब इसमें भी आप देखोगे तो दो प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, हालांकि प्रोडक्ट 3 बनते हैं यहाँ पे, सिस और ट्रांस को मैं
अलग नहीं बता रहे, एक बार ये वाला अल्फा होगा, ये बीटा है, ये वाली बीटा है, तो इधर से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, तो इधर बता देते हैं दो प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है। वहां से हाइड्रोजन निकला तो क्या बना, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू एच एस ओ फोर नेगेटिव, इसके प्रेजेंस में ये अपना एच प्लस ले लेगा बीटा से और क्या निकल जाएगा, एच टू एस ओ फोर की फॉर्म में एटलीस्ट होता ना। यहां से बीटा वाले से निकलेगा तो बेटा यहां पे देखिए ये बन गया सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री, तो बताइए कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, दैट एल्केन विल बी मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल एंड स्टेबिलिटी इज चेक थ्रू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हियर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सिक्स एंड हियर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज टू, दैट्स व्हाई दिस एल्केन हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इट विल इट मीन्स इट इज मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज माइनर प्रोडक्ट, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाता है और ये वाला क्या हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, इज इट क्लियर। अब देखिए और एग्जांपल देते हैं, और एग्जांपल यानी बेटा कार्बोकेटाइन यहां पे इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बोकेटाइन के केस में अगर पॉसिबल होता तो वहां पर ये अरेंजमेंट करवा दीजिए। एक एग्जांपल और देते हैं, यहां पर मिटा दें इसको, एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, आपको खुद से उसको करना है, पॉज करके खुद से करना है। देखिएगा यहां पे दे रखा है सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच टू ओ एच, यहां पे लिया कॉन्सेंट्रेट एच टू एस ओ फोर, कॉन्सेंट्रेट एच टू एस ओ फोर और हाई हीटिंग एच टी लिख देता हूँ, हाई टेम्परेचर। प्रोडक्ट आपको बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा, पॉज करो और अपने से ट्राई करेंगे, सभी अपने से ट्राई करो और बताइएगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेप वाइज चलते जाना आपको डायरेक्ट। देखो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, इसके पास में एच जाएगा, क्या बना सी एस थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू प्लस, एंड नेक्स्ट स्टेप में रिमोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस, देन सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच टू प्लस, इट इज फॉर्म वन डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको यहां पे ये पता है अगर मिथाइल यहां पे चला जाए तो फॉर्मेशन होगा थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के केस में ऐसा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो यहां पर देखो शिफ्टिंग होगी वन टू मिथाइल शिफ्ट, ये वाला मिथाइल है ये यहां पे शिफ्ट होगा, ये सी एस थ्री नेगेटिव लेके निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा इस बॉन्ड के, यहां पर चला गया तो यहां पर कार्बोकेटाइन बन गया, ये हो गया सी सी एस थ्री प्लस सी एच टू सी एस थ्री। अब ये वाला बेटा आपका क्या हुआ, ये वाला अल्फा कार्बन मानोगे तो ये वाला बीटा कार्बन, ये भी बीटा है, एक ही बात है तो सिमेट्रिक होगा, ये वाला बीटा। तो अब कहां से हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो, तो दोनों से निकाल कर देख लेते हैं, दो प्रोडक्ट बना के देखते हैं। पहले इधर से निकाला तो क्या बना सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एच टू सी एस थ्री, ये बना, ठीक है। इधर से निकालोगे तो यहां पे क्या बन रहा है सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री। मेजर प्रोडक्ट देखना आपको, माइनर प्रोडक्ट आपको देखना है। तो बेटा ये वाला एल्किन है, इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, थ्री और टू कितने हो गए फाइव अल्फा हाइड्रोजन, इसके आप काउंट करेंगे तो थ्री यहां पे थ्री यहां पे थ्री यहां पे नाइन अल्फा हाइड्रोजन। विच वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड विच वन इज माइनर, मोर स्टेबल एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट, और एल्किन की स्टेबिलिटी देखी जाती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, तो ये वाला आपका होगा मेजर प्रोडक्ट और ये यहां पर आपका बन जाता है माइनर प्रोडक्ट या माइनर एल्किन।
ठीक है, नोट कर लो। तो बेटा मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, इवन मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और इवन मैकेनिज्म में जो आप बेस लेते हो कौन सा होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, अगर स्ट्रांग बेस ले लिया जाए तो क्या होगा, ई टू एलिमिनेशन होता है, वहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, देखो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, इसको नोट कर लो। देखिए आगे, जैसे इवन एलिमिनेशन की बात की, इवन एलिमिनेशन, तो यहां पर इवन एलिमिनेशन में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन। सबसे पहले किसकी प्रेजेंस में होता है ये मैं बता देता हूं। यहां पर हमने लिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4, हाई हीटिंग करते हैं, दूसरा H3PO4, KHSO4, यानी क्या लेते हैं आप, वीक बेस एसिड है, एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट होता है वीक बेस। यहां पे फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, और जहां पर भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है तो आप ये जानते हैं वहां पर रीअरेंजमेंट होता है, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट इफ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इफ पॉसिबल, जिसमें क्या होगा, हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल शिफ्ट होगा। इज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो भी पॉइंट यहां पे बनते हैं वो सब लिख देता हूं मैं, इसके केस में इज ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर वहां पर दो एल्किन बनने की प्रोबेबिलिटी हो तो मोर स्टेबल एल्किन का फॉर्मेशन होता है। मोर स्टेबल एल्किन कौन सी होती है, जो सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनती है, जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो यहां पर बनेगा सेजेफ रूल फॉलो होगा। बात करते हैं E2 एलिमिनेशन, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। यहां पे काम में लेते हैं Al2O3, ये रिएजेंट Al2O3 हो सकता है, P2O5 हो सकता है, या फिर POCl3 पाइरीडीन, ये होता है, ये रिएजेंट लेते हैं। यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो यहां पर लिखेंगे नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट, ना तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना ही यहां पे किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन अगर वहां पर दो एल्किन बनेंगे तो सेजेफ रूल वो लगेगा, सेजेफ रूल है, इसके अकॉर्डिंग है एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, जिसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हम किसके बेसिस पे बताई, ROH, ये वाला बॉन्ड इसके ब्रेक करने के बेसिस पे बताई। उसके बाद में ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं किया हमने, उसके बाद में इसको भी बताएंगे, क्योंकि ये वाला हम पढ़ भी चुके हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर हम एल्कोहलों से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया था, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था, वहां पर ये वाला पढ़ चुके हैं डिटेल में, उसके बारे में भी बता दे देंगे, और उसका जो भी लेक्चर वहाँ से भी ऐड कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देंगे। उसके बाद भी हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा है, इसको एक बार स्किप किया, उसके बाद का पॉइंट हमने पहले किसको लिया है, डिहाइड्रेशन को। तो डिहाइड्रेशन बेटा बहुत ईजी होता है, इवन एलिमिनेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, और अगर ये वाले रिएजेंट दे रखे हैं वहाँ पर E2 एलिमिनेशन होगा। इवन एलिमिनेशन के केस में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन के केस में आपके माइंड में सेट रखना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहाँ पर, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा। बीटा पोजिशन से आपको हाइड्रोजन निकलना है, तो बीटा पोजीशन निकलने के बाद में जो एल्किन बनेगी, तो वो ध्यान में रखना कि कौन सी एल्किन ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल। क्लियर हुआ, ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो।
और जो भी बताया उसकी प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।